भाई यार मौसम बहुत बढ़िया है, तो मैं भी थोड़ा सा कूल डूड लग रहा है। मैं क्या यार मौसम के हिसाब से थोड़ा सा जाते हैं, और आज थोड़ा सा ना बढ़िया दिन है। बढ़िया दिन क्यों है, क्योंकि आज साढ़े स्टूडियो एक सैलीब्रिटी आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं, उन्होंने केड़े केड़े गाने ने, वो तो रस्ते च दसांगे, नहीं रस्ते च भी नहीं दसांगे, जब वो आ जाएंगे ना तो दिखावांगे। भाई सुबह सुबह इतना प्यारा मौसम हो रहा है ना कि गाड़ी में जब गाने बजते हैं ना, ओह अपना ही रेडियो स्टेशन बजता है अब तो इतना मज़ा आता है कि फीलिंग गुड हो जाता है। सुबह सुबह ऐसे फ्रेश वाइब्स है ना, और आपके साथ भी ऐसा होता है तो बताना, मेरे साथ होता है थोड़ी सी भी ठंड होने लग जाती है ना तो मैं थोड़ा सा ना गर्म पानी से नहा लेता हूँ तो फ्रेशनेस और आ जाती है। भाई एक बार कमेंट में ज़रूर बताना शर्ट कैसी लग रही है। बाकी आज हम 5 मिनट लेट हैं, आराम से चलते हैं। भाई घर के पास तो मौसम बढ़िया है, यहाँ पे और अच्छा लगता है। भाई आज हम आपको दिखाते हैं हमारे ऑफिस में तैयारियाँ कैसे चल रही हैं, और कौन कौन आ रहा है वो धीरे धीरे बताएंगे आप भी। देखो फुल तैयारियाँ, सजावट हो रखी है, ये डांसर्स भी आ रखे हैं, पूरी तैयारियाँ रखे हैं, रेड रुड कारपेट बिछाया हुआ है, बैलून्स लगे हुए हैं, परफॉर्मेंसेस होंगी। भाई आज हमारे यहाँ अली चेटली पाजी आ रहे हैं और आशीष भुटानी पाजी आ रहे हैं, तो तैयारी पूरी चल रही है। अगर तुम पूरे बिहाइंड द सीन देखने हैं तो वो पंजाबी फीवर 107.2 दे ऑफिशियल चैनल पर आएगा। तो कवनीत जी अज होस्ट करिए, हाउ आर यू फीलिंग? सच से बताओ कैसा लग रहा है आपको? अब डर कम लग रहा है मेरे को। क्यों, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो गया? प्रीत भाजी आज गाना गाएंगे, केड़ा गाना? मुसाफिरा दीवाना, फिर उसके बाद सुपना अमरिंदर गिल भाई का, दैन वे कबीरा, फिर बी प्राक भाई का मन भरिया, एंड होर जिन्ने गाने हैं बहुत सारे इकट्ठे गाया। गा पा देना, मैंने रोक के होना कोई मैं काबू च नहीं आवा। तो मैम हेड कर रही है सानू, मैम हाउ यू फीलिंग? आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे सारा इवेंट कैसा होता है। बाकी प्रॉपर इवेंट का जो ब्लॉग है वो पंजाबी चैनल पे आएगा। मिस्टर आशीष भुटानी, जे तू मैनू छड गई किसी ना परवाह दे। भाई साहब इवेंट हो गया है, थोड़ा सा ओवर अभी बहुत सारा पड़ा है, पर हम अभी बताते हैं। भाई इवेंट साडा थोड़ा सा हो गया, ते वी आर विद मिस्टर खुराना हु डिड अ ग्रेट स्टैंड अप कॉमेडी, है ना? थैंक यू सो मच, बड़ा मजा आया आपके साथ ना यार। भाई साहब छोटा वीर जो है बहुत अच्छा कॉमेडियन है, आप हमने मिले ते अच्छी गल है। तो मैं भी थोड़ी थोड़ी नहीं, तो अच्छी गल है यार। देखो जो मेहनत करता है वो बोलना चाहिए, पता है मेहनत की थी मैंने बोल रहा है, तो अच्छा नहीं किया था ना माई मेरे को लगता ही ना। नहीं नहीं बहुत अच्छा किया, ये प्रीत पाजी ने बहुत बढ़िया किया, मैं तो फटे चक दिए जो इन्होंने फट्टे बल्लियां सब चाकती, फट्टे बल्लियां तसले सरिये सब चाकती। मैंने लग गया बस हुन खत्म हो गया, नहीं फिर ऐसे ना गिटारिस्ट को शांत करा के फिर शुरू हो जाते थे। बहुत बढ़िया जी, शांति ना आया। भाई मैं आया हूँ है ना, तो जीत पाजी और प्रीत पाजी, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज है ये, मेरे को बताओ यार। कद्दू इस तरह कद्दू ना मिले, इस तरह पिज्जा खाना, पिज्जा रखा इस तरह, दाल चावल अंडा बैठा इस तरह। कौन सी लैंग्वेज बोली आपने? ये लैंग्वेज नहीं है, ये हमारी बनाई हुई लैंग्वेज। ओके एक बार काबली बोल दो वाला चाल वाला, मैं मारा ना जन बेचारे काबली, तू मैनू पिटवाएगा। प्रीत वाली बोलेंगे, प्रीत वाली एक बढ़िया सी नहीं होती शादी, नहीं बिल्कुल स्लो करना यार, डर रहा है यार तू, रुक मैं दूसरे वाला निकालता हूँ यार, डरना नहीं हो तो डड्डू मना कर रहे हो। शाजी बड़ा अच्छा निकलता डड्डू, भाई 2 मिनट दर्द होती है, ज्यादा ठंड होती है यार। काम करने चला चलो, चलो वी आर गोइंग डाउनस्टेयर्स एंड हैविंग कॉफी। भाई इवेंट हो गया आज का, इवेंट का वॉज लाइक रियलिटी चेक टू मी, कि अगर मेरे को भी अपने लिए यहाँ पे ढोल बजवाने हैं तो मेरे को भी पतला होना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, स्टार बनना पड़ेगा। सो वी विल वर्क ऑन डैट, अभी घर जाएंगे, जिम जाएंगे आज से हम। ये तो जिम जाना शुरू हो गई है, सुबह कितने बजे? 6:15
सुबह 6:15 बजे जिम जाती है, जिम जाती है पर बात फिर ही निकलती है। भाई सो फाइनली डन विद इवेंट, वेरी गुड डे है ना। और मेरे को एक बात की खुशी है कि मैं रेडियो में यहाँ पे काम करता हूँ। किस बात की खुशी है कि ना अगर मैं घर पे भी व्लॉग्स बनाता, बट घर पे क्या होता है कि आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम ना आपको रियलिटी चेक नहीं मिलता कि आप यहाँ पे, मेरे को रियलिटी चेक मिला कि आप कुछ नहीं हो भाई साहब। आपको अगर वहां तक पहुंचना ना तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। घर पे ये रियलिटी चेक नहीं मिलता कि नहीं भाई, घर पे तो आप अपने आप के अपने दिमाग में ही आ जाओ, बट जब आप घर से बाहर निकलते हो ना, ये कोई आपकी गेस्ट आता है यहाँ पे रेडियो में या लोग परफॉर्म करते हैं, फील लाइक कि आप क्या हो, आप कुछ नहीं हो, आपको टैलेंट बनाना पड़ेगा और आपको मेहनत करनी पड़ेगी तभी आप वहां तक पहुंच पाओगे। सो ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि आई वर्क इन द स्टेशन एंड हर थोड़े दिन बाद मेरे को रियलिटी चेक मिलता रहेगा। अगर मैं कहीं पे भी ढीला पड़ूंगा ना, मेरे को वो मिलता रहेगा कि यार फिर तो ढीला पड़ गया, यहाँ पे नहीं पहुंचना, देखो। सो वो मेरे को बहुत अच्छा लगा भाई, कहा था ना रियलिटी चेक आगे जिम करेंगे भाई। सो फाइनली बैक विद जिम है ना, मजा आ गया जिम करके, अच्छा लगता है यार, प्रोडक्टिव डे जाए ना। बस 2-3 चीजें अभी भी मेरी मिस हो रही है, मैं वो चाहता हूँ अगर वो भी इन लाइन हो जाए, थोड़ा सा ना नींद को और माननी पड़ेगा, सपने देखने हैं वो 2-3 घंटे में देख के ना 10-12 घंटे काम करके पूरे करने पड़ेंगे। 10-12 घंटे सपने देख के फिर उसको 2-3 घंटे काम करके वो पूरे नहीं होंगे, सपने को थोड़ा कम टाइम देना पड़ेगा, उन कम टाइमों में बड़े सपने देखने पड़ेंगे, फिर वो जो ज्यादा टाइम है उन सपनों में मेहनत करनी पड़ेगी। तो लेट्स सी कि क्या होता है। बाकी इट्स गोइंग वेरी गुड एट पंजाबी फीवर, बड़ा मजा आ रहा है ना, ऐसे लोग आते हैं, लोग मिलते हैं, लोगों से सीखने को बड़ा कुछ मिलता है, कॉन्फिडेंस बिल्ट होता है। तो ये नहीं है कि मैं अगर यूट्यूब करूँ तो मेरे अंदर बड़ा कॉन्फिडेंस है, चाहिए भाई आपको बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए और बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। इफ़ यू वॉन्ट टू बी अ स्टार, वी विल ट्राई आर बेस्ट, तुसी सपोर्ट करते रहो, असी कोशिश करते रहेंगे, कुछ वड्डा करांगे जिंदगी च। ते नाल ही इस व्लॉग नूं करते हैं, मैं उम्मीद करता तुहानूं पसंद आ गया, जे पसंद आए तो डू द लाइक बटन, कमेंट जरूर करके जाना किधर, जिन्हें जिन्हें सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब ठोक दो, फिर मिलते नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।